मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक इंटीग्रेटर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटर एक सर्किट है, ये करता क्या है, आउटपुट वोल्टेज उसे इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेशन में देता है। देखते हैं कैसे करते हैं। एज वी नो दैट वी हैव ऑपरेशनल एम्पलीफायर 741, अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल देंगे और जो फीडबैक पाथ है, फीडबैक पाथ में एक कैपेसिटर लगाएंगे वैल्यू सी, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम दे देते हैं आर आई, और इनपुट वोल्टेज देते हैं वी, एंड सिमिलरली प्लस वी सी सी माइनस वी ई। तो ये जो सर्किट बना है, इस सर्किट को हम इंटीग्रेटर सर्किट, तो इसका हम डेरिवेशन करना चाहते हैं, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि जो इनपुट वोल्टेज है वो इंटीग्रेशन फॉर्म में आएगी टू द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन पार्ट। वी टेक वन करंट आई वन इन दिस ब्रांच, एंड लेट्स टेक अनदर करंट आई सी करंट इन दिस ब्रांच। एक इस ब्रांच में करंट जाएगा, लेट इट बी आई माइनस, ठीक है। लेट दिस नोड इज ए एंड दिस नोड इज बी। एट नोड ए वी अप्लाई केसीएल, एंड व्हाट इट इज आई वन इज इक्वल टू आई सी प्लस आई माइनस। ये आई सी जो है ये कैपेसिटर के थ्रू करंट है, ये जो इनपुट टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसके अंदर जाने वाला करंट है। बट एज वी अज्यूम दैट दिस इज एन आइडियल ओप एम्प, तो जो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस है ऑफ दिस 741, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट इम्पीडेंस। बिकॉज ऑफ दिस ये जो करंट है आई आई डैश आई माइनस इज इक्वल टू जीरो एम्पी। फ्रॉम दिस अजम्पशन वी पुट आई आई डैश इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एंड वाई पुटिंग आई डैश इज इक्वल टू जीरो वी हैव दिस इक्वेशन। एंड नाउ वॉट वी वॉन्ट आई वन एंड आई सी करेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस। फॉर दैट वी अज्यूम दिस इज फर्स्ट अजम्पशन, सेकेंड अजम्पशन। ड्यू टू दिस इनपुट इम्पीडेंस एंड गेन ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफाइनाइट ऑल्सो, दिस नोड वोल्टेज वी बी विच इज ग्राउंड, दैट मीन्स इट इज जीरो वोल्ट। ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट दिस नोड वोल्टेज वी ए इज ऑल्सो इक्वल टू वी बी, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट वी बी वोल्टेज इक्वल टू वी नोड ए वोल्टेज, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो वोल्ट बिकॉज वी बी इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। बाय पुटिंग दिस फॉर कैलकुलेटिंग आई वन यूजिंग नोडल एनालिसिस, एट दिस नोड वी हैव V in voltage and at this node we have VA. By applying nodal V in minus VA divided by this resistance RI equal to IC. This is the current in this capacitor. We also know that Q is equal to CV, where this V is the voltage across the capacitor and Q is the charge and C is your capacitance value. And we also know that dQ is equal to C, which is a constant dV, and if we divide this with rate of change in time, then this equation is for IC. By putting this equation for IC here, we rewrite this VA or I equal to C dV upon D. Here this V
is the voltage across this capacitor, and by applying this nodal analysis, and the current is flowing from this terminal to this terminal, and VA is at higher potential because of the flow of current in this direction. We find the net voltage, which is VN minus VA RI equal to C is the capacitance value, D, and the net voltage will be VA minus V naught. VA minus V naught divided by VT. And now we can put wherever there is in these equations VA, we put 0 volt. Now VN minus 0 divided by RI equal to C here dV VT. 0 minus V naught divided by DT. We rearrange this equation equal to RI C minus is minus will come out D V naught upon DT, and we want this V naught in terms of VN. So we rearrange V naught D upon DT is equal to VN minus comes here RI and C comes down. Now we can write it D V naught minus 1 upon RI C VN D T. For finding out this V naught, we integrate this equation both the side, and we get this V naught equal to minus 1 upon RI C VN D, and this shows that by using this configuration of op amp, where capacitor is in feedback and in at the input we have this RI resistance, the input voltage VN is in the integration form to the output of this circuit, and here this is known as slope of the integrator. Hope you get the points how to derive the relationship of an integrator. Thanks for watching and have a nice day.